आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि यदि m x0, y0 वक्र 3x2 - 4y2 बराबर 72 पर रेखा 3x + 2y + 1 = 0 के समीपक्ष बिंदु है तो x0 + y0 का मान है 3 - 3 = 9 और -9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। वो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो वक्र है यहाँ पर 3x2 - 4y2 = 72, जो हमारे पास ये वक्र है, अगर अगर इस पर कोई बिंदु है, ठीक है, जो बिंदु क्या है, m बिंदु इसके ऊपर है, x0 - y0 ऐसे करके है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये बिंदु इसके ऊपर है, तो यहाँ ये बोला जा सकता है 3x0 - 4y0 = 72। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ये कि इस पर ये जो बिंदु है वो बिंदु इस रेखा के सबसे नजदीक है। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई हमारे पास एक फलन होता है, मैं इस तरीके से लिया कोई भी फलन, वो अगर किसी रेखा के इस तरीके से इस रेखा के नजदीक में, उसका कोई सबसे नजदीक में निकटतम अगर मैं बिंदु की बात करूंगा, तो उस बिंदु पर भी अगर जो स्पर्श रेखा जाएगी, उस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा जाएगी वो उस रेखा के समांतर आती है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रेखा के समांतर आती है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस बिंदु पर दोनों का उभयनिष्ठ, यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ अभिलंब होगा, ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इस रेखा की प्रवणता के बराबर आएगी, अगर इस बिंदु की जो प्रवणता है वो इस रेखा के, जो हमने रेखा यहां पर क्या दे रखी है, हमारे पास है 3x + 2y + 1 = 0। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, इसका जब अवकलन किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर देखते हैं हम, मैंने मान लो अवकलन करा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि 6x, ठीक है, 6x - 8y (y′) = 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि जो अवकलन आया हमारा वो क्या आया, वो आ गया हमारे पास 6x/8y आ गया। ठीक है, अगर मैं उस बिंदु पर बात करूंगा तो वो 6x0 / 8y0 आएगा, जो कि हल होके कितना आ जाएगा, जो 3x0 / हमारे पास कितना आ जाएगा, 4y0 आ जाएगा बराबर। यहां पर अब ये किसके बराबर, इसकी प्रवणता लिख देते हैं हम, इसकी प्रवणता कितनी है, देखिए इसकी प्रवणता यहां पर कितनी है, अगर मैं इसकी प्रवणता की बात करूंगा तो ये कितनी आएगी मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगी -3/2। इसका मतलब ये वाला बिंदु जो -3/2 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आगे देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ देखो 2 से 4 भी कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x0 जो है वो -2y0 के बराबर आया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर संभाल के रखते हैं समीकरण को। अच्छा, अब वहां पर हमने ऊपर एक समीकरण निकाला था कि जो हमारा x0 y0 है वो इसके ऊपर है, तो यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है 3x0 का स्क्वायर 3x0 की घात 2 - यहाँ पर हमने निकाला हुआ है कि -4y0 की घात 2 = 72। ये हमने जो निकाला हुआ है, अगर मैं इसमें x नॉट का मान रख दूं, अगर मान लो x जीरो का मान यहाँ पे रखा मैंने, तो इसकी घात 2 आ जाएगी, मतलब 4y की घात 2 बनेगा यहाँ पर, तो 3 × 4y की घात 2 ऐसे बनेगा, -4y0 की घात 2 = 72 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4y की घात 2 कॉमन ले लेता हूं तो 3 - 1 मतलब यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा, ये 72 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4y0 की घात 2 बराबर कितना बन रहा है, यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो 4 से भाग दे दो, मतलब y0 की घात 2 जो है वो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वो हमारे पास बन जाएगा 9। ठीक है, तो y का मान जो हो सकता है वो हो सकता है मेरे पास ±3 हो सकता है। ठीक है, ±3 होगा। अब हम आते हैं यहां पर कि अगर मान लो ये वाला ±3 है तो x x0 कितना आएगा, देखिए तो जो मेरे पास x0 आएगा वो x0 कितना बनेगा,
वो मेरे पास लिखा हुआ है माइनस का 2y0 लिखा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे हम मान रख देते हैं माइनस दो, यहाँ पे रखूंगा प्लस माइनस थ्री, तो अगर मैंने प्लस माइनस थ्री रखा तो ये माइनस प्लस छ आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस छ का मतलब ये हो गया मेरे पास कि अगर मैं इसको तीन लूंगा उसको, मतलब इसको अगर मैं छ लूंगा माइनस का, तो ये वाला तीन आएगा, ठीक है। या तो ये हो सकता है तथा ये दूसरा मान हमारे पास यहाँ पे क्या बन सकता है, देखिए दूसरा मान मेरे पास बन सकता है यहाँ पर माइनस तीन, यहाँ पे प्लस का छह कोमा माइनस का तीन। तो अब मैं इसमें से ये देखूंगा कि सबसे नजदीक वाला बिंदु हमारा कौन सा है, ठीक है। दोनों में से हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पास रेखा थी 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं इसको हल करता हूं यहां पर, देखो इससे अगर मैं दूरी निकालता हूं, ठीक है, मैंने दूरी मान ली d1 और एक दूरी को हम d2 नाम दे देंगे, d1 इससे निकालते अपन, इसको अगर मैं इसमें रखूं तो ये आएगा मेरे पास माइनस अठारह प्लस, यहां पर बन जाएगा मेरे पास -18 प्लस 6 आ जाएगा और प्लस 1 बटे बटे में तो हमारे पास कितना आएगा 9 प्लस 4, हमारे पास यही बात आने वाला है 9 प्लस 4, ठीक है। वर्गमूल कर दिया मैंने, वो इसका मापांक लगा दिया वर्गमूल करके, तो ये मेरे पास कितना आ गया, देखो 6 और 1 7, तो 18 में 7 जाएगा, तो माइनस का अपना 11 बटे वर्गमूल 13 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास और ये आ गया 11 बटे वर्गमूल 13, ठीक है। अच्छा, दूसरे से अगर मैं D2 निकालू, दूसरे बिंदु से निकालू अगर मैं इस बिंदु से, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस छ प्लस एक बटे वर्गमूल वही आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मापांक लेता हूं तो 18 19 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो मेरे पास यहां पर जो आने वाला है वो आ जाएगा 13 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो 13 बटे यहां पर वर्गमूल 13 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बस इतना काफी है पता करने के लिए कि कौन सा सबसे नजदीक होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो -6,3 है वो सबसे नजदीक होगा और ये थोड़ा दूर पे आएगा, ये बिंदु जो है वो क्या आएगा, वो दूर पर आएगा। तो ये बिंदु मुझे मिल गया। अब उसने पूछा है कि x0 + y0 का मान बताइए, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि -6 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब ऊपर देख सकते हैं अपन इसमें विकल्प में, ये देखो ये विकल्प हमारा सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।